हेलो माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेड आर टेक्निकल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों को बहुत ज़्यादा उस टॉपिक पर परेशानी आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं वो सब परेशानी दूर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम के अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के ऊपर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये तो मालूम है कि हम किस तरह से इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से लॉगिन करते हैं और किस तरह से लॉग आउट करते हैं, लेकिन दोस्तों इस टॉपिक पे ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि उसको परमानेंटली डिलीट कैसे करते हैं। क्योंकि बहुत सारों को अकाउंट डिलीट करने की ज़रूरत पड़ती है परमानेंटली, कुछ किसी इशू की वजह से वो अपना अकाउंट डिलीट करना पड़ता है, वो भी परमानेंटली। तो लेकिन वो ये नहीं जानते कि किस तरह से परमानेंटली अकाउंट डिलीट किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, हम कितना भी इंस्टाग्राम के अंदर घुस जाएं, उसमें कहीं आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कैसे करें, यानी इंस्टाग्राम डिलीट अकाउंट परमानेंटली का ऑप्शन आसानी से नहीं मिलता, उसको बहुत ज़्यादा अंदर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आसानी से आप अपना अकाउंट डिलीट कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो हर वक्त मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जाना होगा हमें अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में जाने के बाद मैंने यहाँ पर आपको डिलीट करके दिखाने के लिए एक परमानेंट, बिल्कुल अभी कुछ ही वक्त पहले एक डेमो अकाउंट बनाया है हैप्पी मैन 851 के नाम से, ताकि मैं अपना रियल अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकता। इस वजह से मैंने आपके लिए एक डेमो अकाउंट बनाया। तो यहाँ पर आपको अकाउंट इंस्टा ओपन करने के बाद आपको अपने अकाउंट की प्रोफाइल में जाना है, और प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखता है थ्री लाइंस, जो ऊपर हॉरिजॉन्टल थ्री लाइंस दिखती हैं। यहाँ से आपको क्लिक करने के बाद ऑप्शन कई सारे मिल जाते हैं, लेकिन आपको उसमें से ऑप्शन चूज़ करना है सेटिंग का। सेटिंग का ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक ऑप्शंस दिखेगा हेल्प का। आपको उस हेल्प वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर आपको तीन चार ऑप्शंस यहाँ पर शो होंगे। फिर से आपको यहाँ पर हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके आगे फिर से थोड़े बहुत ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि, लेकिन हमें यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन को चूज़ नहीं करना है। हमें करना है राइट हैंड साइड में फिर से थ्री लाइंस पे क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो चार ऑप्शन मिलते हैं, मैनेज इंस्टाग्राम फीचर्स का, मैनेजर अकाउंट का, प्राइवेसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग, इन चारों में से आपको मैनेजर अकाउंट वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। जब आप यहाँ पर चूज़ करेंगे तो आपका आगे फिर अगेन बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपको इन सब में से वो ऑप्शन देखना है डिलीट योर अकाउंट का। तो जैसे कि इसमें फिफ्थ नंबर पर लिखा हुआ है डिलीट योर अकाउंट, तो आपको उस वाले ऑप्शंस को चूज़ कर लेना है। इस ऑप्शंस को चूज़ करने के बाद आपके आगे बहुत सारे नहीं, पर सिर्फ तीन ही ऑप्शन आएंगे, जो कि हाउ डू आई टेम्परेरी डिसेबल माय इंस्टाग्राम अकाउंट। लेकिन यहाँ को आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करना है, हाउ डू आई डिलीट माय इंस्टाग्राम अकाउंट। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके नीचे बहुत सारे ऑप्शंस एकदम से आ जाएंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा ब्लू कलर के, लिंक होगा छोटा सारा पैराग्राफ के अंदर, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है डिलीट योर अकाउंट। आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक कर लेने के बाद आपको आपका आगे एक ऑप्शन आ जाएगा डिलीट योर अकाउंट। यहाँ पर ये आपको नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ होगा व्हाई डू यू वांट टू डिलीट हैप्पी मैन 551, यानी 551 मेरे अकाउंट का यूज़र नेम है। ये कह रहा है कि आपको इस अकाउंट को डिलीट क्यों करना है। तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई रीज़न चूज़ करना होगा। आप इसके नीचे सबसे नीचे एक बॉक्स बना हुआ दिख रहे होंगे ग्रे कलर का, आपको जब उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आपको रीजंस दिख जाएंगे। आप इनमें से कोई भी रीजंस चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्राइवेसी कंसर्न की वजह से आप नहीं रखना चाहते, या वांट टू रिमूव समथिंग, तो और एड्स की वजह से। लेकिन मैं यहाँ पर जो ऑप्शन चूज़ करूँगा वो सबसे लास्ट वाला रीजंस चूज़ करूँगा, समथिंग एल्स। तो मैंने समथिंग एल्स वाला रीजंस यहाँ पर चूज़ कर लिया है। अब चूज़ करने के बाद फाइनली ये आपसे आपका अकाउंट का पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि ये भी इंस्टाग्राम श्योरिटी करना चाहता है कि ये अकाउंट इसके ओनर आप ही हैं कि कोई और है, कहीं आप किसी दूसरे के फ़ोन में घुस के उसके अकाउंट को डिलीट तो नहीं करना चाह रहे। तो इसके लिए ये यहाँ पर आपके अकाउंट का पासवर्ड मांगता है, श्योरिटी मांगता है। तो चलिए मैं यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देता हूँ,
और मैंने यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर डिलीट हैप्पी मैन 551 पे एक ब्लू कलर का आपको यहाँ पर पैराग्राफ सा थोड़ी लाइन सी दिख रही होगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर ये आपसे यहाँ पर श्योरिटी मांगता है, आर यू श्योर वॉन्ट टू डिलीट योर अकाउंट, तो यस, जैसे कि मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ओके कर दूँगा। ओके करने के थोड़ी ही देर बाद ये कैसे कि सॉरी ये कह रहा है अकाउंट पासवर्ड गलत है, तो चलिए मैं देखता हूँ कि पासवर्ड कैसे गलत है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से यहाँ पर पासवर्ड डालूँगा अपना, चलिए एक बार और डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बार पासवर्ड और डाला और फिर से श्योरिटी मांगी इसने, फिर से मैं क्लिक करूँगा तो अब की बार यहाँ पर पासवर्ड सही डाला मैंने, वहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर मेरा फाइनली अकाउंट जो है वो डिलीट हो चुका है, मेरा अकाउंट अब मुझे वापस भी नहीं मिलेगा आसानी से। होगा तो मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो बनाकर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इस वीडियो में मैंने यही बताया कि आप कैसे परमानेंटली अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक फिर से नई वीडियो के साथ।